श्रीमान सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से भी और अपनी ओर से भी ऐसे सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। आज का यह अवसर हम सबको साक्षी बनने को मिल रहा है। इस अवसर के पीछे बड़ा कारण है और उस कारण के बारे में विस्तार से माननीय ज्योतिरादित्य जी ने विषय को आप सबके समक्ष रखा है। उसके विस्तार में मैं जरूर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चुनावों के समय नेताओं के जाने और आने का क्रम हम लोगों ने कई बार देखा है, लेकिन जब जाना और आना अपने स्वार्थ की खातिर होता है तो नेता अकेले आते हैं और चले जाते हैं, और जब आने और जाने का क्रम जनता के लिए होता है, अन्याय और अत्याचार के विरोध में होता है, भ्रष्टाचार के विरोध में होता है, जन कल्याण के लिए होता है, विकास और प्रगति के लिए होता है, तो हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भी अपने नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते और नेता के निर्णय के साथ आगे रहते। इसलिए आज का जो मिलन समारोह है यह अवसर उपलब्ध कराने में जो माननीय ज्योतिरादित्य जी की भूमिका रही है उसकी मैं दिल से प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रीमान सिंधिया जी को हृदय से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बंधुओं, अब हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं। देश के राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं। उन पार्टियों की अपनी अपनी काम करने की पद्धति भी है, लेकिन जब हम सभी पार्टियों की तुलना करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हम जिस भाजपा के सदस्य हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और उस बात पर हम सब लोग गर्व कर सकते हैं। बाकी जितना राजनीतिक दल है उन सब के कार्यकर्ताओं से आप बात करोगे कि आप इस पार्टी में क्यों काम करते हो तो कोई भी व्यक्ति वैचारिक कारण नहीं बता सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको यह गर्व के साथ कहेगा कि मैं व्यक्ति के साथ नहीं, मैं विचार के साथ जुड़ा हूं, मैं एकात्मवाद के साथ जुड़ा हूं, मैं सेवा संकल्प के साथ जुड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए काम करने वाला राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में एक रूपता है। इसके मैं दो उदाहरण बताना चाहता हूं।
भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा 1951 में प्रारंभ हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अध्यक्ष थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना के समय कल्पना दी थी, आंदोलन का आह्वान किया था कि कश्मीर से धारा 370 हटना चाहिए। 53 में डॉक्टर मुखर्जी ने आंदोलन किया, वहां की सरकार ने उनको गिरफ्तारी कर ली और कश्मीर की धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रारंभ हो गया। तब से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह नारा लगा रहे थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, धारा 370 समाप्त करो, यह मांग भारतीय जनता पार्टी की लगातार रही। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था 1953 में, लंबा संघर्ष चला, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बलिदान हुआ, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ, लेकिन जो कहा है सार्वजनिक रूप से वो पूरा होना चाहिए। बीच में अनेक पड़ाव आए, अनेक बाधाएं आई, लेकिन जब बहुमत की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को पूरा किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की वर्किंग कमेटी में कहा था कि भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए, भारतीय जनसंघ लगातार अपनी कार्य समिति के माध्यम से विपक्षी पार्टी के रूप में यह मांग करता रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कार्यकाल खत्म हुआ और अनेक अध्यक्ष आए, उनका कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन आप सोचो जनसंघ के कालखंड में भारतीय जनसंघ की कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया था भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए। पहली बार हमारी अल्पमत की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी। अटल जी के पास बहुमत नहीं था, आप सब जानते हो कम बहुमत में कोई जनपद अध्यक्ष भी बन जाता है तो रात में उसे नींद नहीं आती, हमेशा बहुमत की जुगाड़ में लगा रहता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुमत की परवाह नहीं की, कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी इस बात की परवाह नहीं की, अटल जी को ध्यान रहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने यह मांग की थी कि देश परमाणु शक्ति से संपन्न होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री के रूप में सारी दुनिया की परवाह न करते हुए पोखरण में परमाणु विस्फोट करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न को साकार करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही विचारवान नेता थे, सादगी और विद्वता से भरा उनका जीवन था। मुगल सराय स्टेशन पर उनकी भी हत्या की गई। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय काम कर रहे थे तो दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद ये सरकारों में चरम पर था। तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा
ना साम्यवाद दुनिया की समस्याओं का समाधान कर सकता है, ना समाजवाद समाधान कर सकता है, ना पूंजीवाद समाधान कर सकता है, अगर दुनिया को शांति का शाश्वत संदेश देना है, विश्व में शांति की स्थापना करना है, तो ये रास्ते नहीं एकाध मानववाद का रास्ता इस ग्वालियर के पावन धरातल सारी दुनिया को दिखाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। और उसी समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हमारे लिए सत्ता साध नहीं है, सत्ता हमारे लिए साधन है। उसी समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अगर देश को उत्कर्ष की ओर ले जाना है तो गरीबी का उन्मूलन करना पड़ेगा, देश को ऊंचाइयां प्रदान करना है तो असंतुलन को समाप्त करना पड़ेगा और देश में लोगों के जीवन स्तर पर बदलाव लाना है तो विकास दिल्ली और बंबई से शुरू नहीं होगा, विकास आगरा में रहने वाला हमारा भूमिहीन आदिवासी जो अंतिम पंक्ति में अंतिम कतार पर खड़ा हुआ है, जब सरकारें उसके भले के लिए काम करेगी तब भारत के भाग्य का उदय होगा। कहा तो दीनदयाल उपाध्याय ने था, लिखा तो दीनदयाल उपाध्याय ने था, लेकिन सरकार चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, सरकार चाहे नरेंद्र मोदी की हो और सरकार चाहे शिवराज सिंह चौहान की हो, इन सरकारों की नीतियां, इन सरकारों के कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न को साकार करने के लिए हमेशा केंद्र में रहते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब आदमी को आवास मिल जाए, 2022 तक हर गरीब को रहने को छत मिल जाए, यह सपना देखा तो नरेंद्र मोदी जी ने देखा, हर गरीब के घर में 1 रुपए किलो में भोजन मिल जाए, खाद्यान्न की उपलब्धता हो जाए, अगर इस कार्यक्रम का संचालन किया तो हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ। मैं ये इसलिए आप सबको कहना चाहता हूं कि हम सब कार्यकर्ता जिस पार्टी के सदस्य हैं वह पार्टी जो कहती है वह पार्टी वही करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, चाहे वो केंद्र का मामला हो चाहे वो राज्य का मामला हो, कांग्रेस ने तय कर रखा है जो कहा जाएगा वह किसी भी सूरत में किया नहीं जाएगा। और इसी का परिणाम है, अगर 2 लाख तक का कर्ज माफ हो गया होता, बेरोजगारों को भत्ता मिल गया होता, कमलनाथ बल्लभ भवन से निकलकर श्योपुर विजयपुर की सड़कों पर आ गए होते तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज हमारे साथ नहीं बैठे। जब यह सब नहीं हुआ तो ज्योतिरादित्य जी ने विरोध किया और जो लोग ज्योतिरादित्य जी को सड़क पर लाना चाह रहे थे ज्योतिरादित्य जी ने उनको सड़क पर ला दिया और आज ज्योतिरादित्य जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो गए। मैं इस मौके पर आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करना चाहता हूं। हम और आप कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, राज्य की भी तस्वीर बदलेंगे, देश की भी तस्वीर बदलेंगे और जो गरीब के पैरों में फटी हुई बीमारियां हैं उनको भरकर अपने इस लोक को भी सार्थक करेंगे और परलोक को भी सार्थक करने का काम करेंगे। नई परिस्थिति में मध्य प्रदेश का 27 उपचुनाव है,
27 में बड़ी संख्या गुना से लेकर मुरैना, भेंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर हमारे इलाके के आप सब राजनीतिक कार्यकर्ता हो, आप सबका वजूद है, आप सबकी प्रतिष्ठा है, आप सबकी जान पहचान है, आप सबका दायरा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, ज्योतिरादित्य जी का निर्णय सार्थक हो और शिवराज जी की सरकार 5 साल पर बिना रुके, बिना झुके मध्य प्रदेश को ऊंचाइयां प्राप्त करती रहे, इसके लिए आप सबका योगदान हो, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी।